वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। कट्टरवादी छवि वाले हिंदू नेता रहे कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नफरत के हद की दास्तां बयां कर रही है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कमलेश को बड़ी बेरहमी से मारा गया। कमलेश पर चाकू से 15 बार हमले किए गए, सीने, जबड़े और गले में चाकू घोंपे गए। कातिलों ने लहूलुहान कमलेश का गला भी रेता और फिर चेहरे पर गोली डाल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि कमलेश के सिर के पीछे के हिस्से में गोली फंसी मिली। ये गोली 32 बोर की थी। कमलेश तिवारी का कत्ल कितनी बेरहमी से किया गया, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। 15 चाकू के वार उसके शरीर पर हैं, 2 जगह गर्दन को काटा गया है और उसके बाद गोली मारी गई जो कि उसके सिर के पिछले हिस्से में फंसी मिली है। दरअसल ये बिल्कुल तय किया गया कि किसी भी तरीके से कमलेश जीवित न बच पाए और यही वजह है कि चाकुओं के वार के बाद उस पे गोली तक चलाई गई। 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर कमलेश तिवारी सुर्खियों में आया था। उस पर NSA भी लगा था जो बाद में कोर्ट के आदेश से हटाया गया। हिंदू समाज पार्टी के बैनर तले कमलेश कथित हिंदू जन जागरण में लगा था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शूटर्स में से एक अशफाक शेख ने रोहित सोलंकी बनकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी कराने में कमलेश से मदद मांगी थी। यूपी पुलिस को सौंपे जा चुके दोनों शूटर्स अशफाक और मोइनुद्दीन पठान को मंगलवार को गुजरात ATS ने पकड़ा है। 18 अक्टूबर को कत्ल के बाद अशफाक और मोइनुद्दीन लखनऊ से शाहजहांपुर होते हुए नेपाल पहुंचे और जब पैसे खत्म हुए तो गुजरात का रुख किया, लेकिन गुजरात में घुसते ही धरे गए। हमारे पास प्रेशर बनाने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं था, फिर भी हमने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखा, उनको ऑन द रन रखा, किसी भी समय में वो ज्यादा नहीं रहे और उनके जितने भी ट्रेल्स छूटे थे उन सबों पर हमने तुरंत कार्रवाई की और उन सबों को पकड़ा। कमलेश तिवारी का परिवार कत्ल के आरोपियों की धरपकड़ से संतुष्ट है। हमको तो यही उम्मीद है कि अगर ये पकड़े गए तो इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इनके पेशी लगा के इनको फांसी की सजा हो और इनकी शिनाख्त, पहले तो इनको शिनाख्त करवाया जाए कि हाँ यही है, उसके बाद इनकी फांसी हो जल्द। कमलेश हत्याकांड में 6 गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड राशिद ने शूटर्स को 70,000 रुपए दिए थे।